हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड स्प्रिंग ऑटम। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द हेरोफेंट रिवर्स एंड द मास्टर आर्टिसियन। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है न्यू मून इन कैंसर। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है द नॉर्थ नोड। तो देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे स्प्रिंग ऑटम का कार्ड रिवर्स है और ऑटम की एनर्जी ज़्यादा इस वीक के लिए मुझे दिख रही हैं। ऑटम मींस हार्वेस्ट, जिसका मतलब होता है कि पीछे अगर आपने एफर्ट करे हैं, मेहनत करे हैं, कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, लेकिन ये कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है तो ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ दिख रही है, जिसके आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। और देखिए, यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को भी अगर आप देखें तो इस इंसान के पास फोर पेंटिकल्स हैं। तो देखिए, अगेन ये कार्ड कहता है कि जो चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हैं या जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो इस वीक आपके पास होती हुई दिख रही है। और देखिए, कहीं फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इन्वेस्टमेंट की बात करता है, सेविंग की बात करता है, तो हो सकता है कि कोई चीज़, अगेन मैं कहूँगी, जिस पे आपने बहुत एफर्ट किया था, इस वीक आपको मिल रही है और उसको कैसे आप इन्वेस्ट करें, कैसे आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी उससे ही रिलेटेड लेकर आएं, उस पे आपका फोकस रह सकता है, या फिर ये चीज़ एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपके लिए लेकर आ रही है। और देखिए, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इन्वेस्टमेंट की बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी पावर, पोजीशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं, मनी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस है, तो इन ऑल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये भी काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहीं फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखने की भी बात करता है, किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ने की भी बात करता है। और कहीं ऑटम का कार्ड पतझड़ डिपिक्ट करते हुए देखिए लेट गो करने की भी बात करता है। तो अगर इस वीक आप किसी भी चीज़ के साथ ओवर अटैच हो रहे हैं तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज में भी इस वीक रहने की ज़रूरत है। और देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास हेरोफेंट एंड द मास्टर आर्टिसियन के कार्ड्स हैं। और हेरोफेंट कहीं फिक्सेटेड थिंकिंग की बात करता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए रिजिड होने की बात करता है, एक स्टबन या ज़िद वाली एनर्जीज़ की बात करता है, पुराने ख्यालात रखने की बात करता है। क्योंकि आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ ओवर हो रही हैं, यानी कि आप ओवर फिक्सेटेड हो रहे हैं, ओवर किसी चीज़ के लिए ज़िद पकड़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ही पुराने ख्यालात रख रहे हैं या उस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आप ऐसी एनर्जीज में थे और इस वीक आपको रियलाइजेशन हो रही है और इससे ही रिलेटेड आप चेंजेस लाना चाह रहे हैं। और देखिए, हेरोफेंट का कार्ड कहीं रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी की भी बात करता है,
तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई रिलीजियस सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं, कोई रिलीजियस प्लेस विजिट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या इन जनरल भी हो सकता है रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। हेरोफेंट कहीं एल्डरली पर्सन की भी बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बड़े जो लोग हैं आपके घर में उनके साथ आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं और कहीं उनसे ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स है। और देखिए डीपर लेवल के लिए द मास्टर आर्टिसन का कार्ड कहता है कि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त स्किल्स और क्वालिटीज़ हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें, कहीं उनको शेयर करें। और देखिए दोनों ही कार्ड्स कहीं टीचिंग की भी बात करते हैं, तो हो सकता है कि आप अपनी विजडम अपनी नॉलेज इस वीक शेयर करना चाह रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है या तो आप किसी से गाइडेंस एडवाइस ले रहे हैं या आप किसी को गाइडेंस एडवाइस दे रहे हैं। एंड देखिए गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड है न्यू मून इन कैंसर, और ये कार्ड कहता है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो कोई भी चीज़ आपको आपके लव्ड वन से रिलेटेड परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, ये सबके लिए डिफर कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे न्यू मून इन कैंसर का कार्ड कहता है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप भी सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और आपके लव्ड वंस भी सुरक्षित और सेफ हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से नॉर्थ नोड का कार्ड कहता है कि इंडिगो ब्लू या फिर ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आपके लिए लकी रह सकते हैं, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा सैटरडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।